खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जिला महिला अस्पताल में सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने बच्चों को ऑरल पोलियो वैक्सीन पिलाकर किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, बच्चों को आजीवन दिव्यांगता से बचाने के लिए दो बूंद जिंदगी की बेहद जरूरी है। 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलानी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है। अभिभावकों को स्वयं भी पहल करनी चाहिए कि वो स्वयं आगे आकर बच्चों को पोलियो की दवा का सेवन जरूर कराएं तथा अपने आसपास के परिवारों को भी जागरूक करें कि वह अपने बच्चों को दो बूंद जिंदगी की दवा दें। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रशांत रंजन ने बताया, जनपद में 0 से 5 वर्ष तक की आयु के 7 लाख बच्चों को पोलियो का दवा पिलाने का लक्ष्य है। जिले में 1917 बूथ बनाए गए हैं। 2408 टीमें घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगी। 20 मार्च से शुरू हुआ अभियान 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान जो बच्चे ओरल पोलियो वैक्सीन पीने से छूट जाएंगे, ऐसे बच्चों के लिए 28 मार्च को बी टीम गतिविधि आयोजित की जाएगी। इस मौके पर जिला महिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी के गुप्ता, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी प्रेमचंद यादव, DMC यूनिसेफ संजू कश्यप एवं MM खान, विश्व स्वास्थ्य संगठन के SMO डॉक्टर सौम्या देव, वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर VCM मोहम्मद हफीज, जकी खान, अंकित और BMC सुधांशु उपस्थित रहे। UP के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।